Sinha, the Chief Minister of Uttar Pradesh, with his message on Mission Pani. Now my colleague Amish Devgan joining us. He's spoken to Union Railway Minister Piyush Goyal, and this is his message on water conservation. Thank you so much, guys. हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मिशन पानी में बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल. पीयूष जी, मिशन पानी में आपका स्वागत है. आपका इस कार्यक्रम में शामिल होना हमारे लिए सम्मान की बात है. आपके कार्यकाल में आपने पानी की कमी से जुड़ा कोई पॉजिटिव या नेगेटिव अनुभव किया हो तो जरूर हमारे साथ शेयर करें. इस समय करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं. पीयूष गोयल. धन्यवाद अमित जी, और आपको इस मिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नेटवर्क 18 ने इस विषय को प्राथमिकता दी है, खासतौर पे जब कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध शायद पानी के ऊपर ही लड़ा जाएगा. और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ होगा, देश भर में जागरूकता फैलेगी. मेरे पास कई अनुभव है पिछले 6-6.5 वर्ष में. अलग अलग विभाग में जब पानी के विषय में कुछ ना कुछ अच्छा काम करने का मौका मिला. मुझे याद है जब मैं कोयला मंत्री था जी, हमने जो कोल माइंस में पानी रहता था उसको प्रोसेस करके जो आसपास के गांव है उसमें देने का काम शुरू किया था. उसका बहुत लाभ हुआ, बहुत गुडविल एस्टेब्लिश हुई खनन क्षेत्र को. और ये पानी अदरवाइज कोल माइन में हमारे लिए भी मुसीबत था, हमारी माइनिंग एक्टिविटी को तंग करता था जी. तो पर जी, पानी साफ नहीं था तो उसको प्रोसेस करने का खर्चा था. तो फिर भी हमने ये एक निर्णय लिया कि उसको प्रोसेस करें. उसको इतना शुद्ध बना दिया था कि एक टाइम पे हमने उसको बॉटल करके, जैसे रेल नीर होता है रेलवे का, वैसा कोल नीर बॉटल ड्रिंकिंग वाटर भी बनाने तक अभी तो के पानी को लेके गए जी. बिल्कुल बिल्कुल, आपने हवा से भी पानी को बनाया है रेलवे के अंदर. जो मेरे पास जानकारी है, रेलवे सिर्फ 5 रुपए में 1 लीटर पानी मुहैया करवा रही है जिसे हवा से तैयार किया जा रहा है. एग्जैक्टली क्या है वो आप इस समय शेयर करिए हमारे इस मंच पर. ये एक हमारे पास कोई स्टार्टअप आया था नई टेक्नोलॉजी लेके जी, जिसमें उनका हवा में से पानी लेके उसको अलग करके, उसके मॉलिक्यूल्स को अलग करके वो लोग पानी बना पा रहे थे. और दक्षिण में इसकी शुरुआत हुई 1-2 स्टेशन पे. तो एक तरीके से नई टेक्नोलॉजी है, उसको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है रेलवे में. क्या रेलवे स्टेशन पर वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू करने की भी कोई तैयारी है, ये शेयर करिए. या फिर ये आइडिया अगर आपको अब मिल रहा है तो क्या आप शुरू करेंगे इमीडिएट? पुराने जो स्टेशन है उसमें ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसा कोई बड़े पैमाने पे जगह नहीं है जहां पे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. लेकिन आपने अब आइडिया दिया है तो फ्यूचर में कोई नए स्टेशन बनेंगे जी, जरूर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्लान करेंगे. आप क्योंकि मुंबई से भी आते हैं, मुंबई में सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर आपने, रेलवे ने पानी को बहुत बचाया है. इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, वो क्या आइडिया था और उसका आइडिया कहां से आया, प्लीज शेयर करिए. ये सेम थीम पे है कि जो भी पानी रेलवे इस्तेमाल करता है उसको प्रोसेस करके रीयूज करें, जिससे शहरों पे और बाकी जो व्यवस्था है उसमें जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो सुधर जाए और रेलवे अपने खुद के पानी को खुद ही प्रोसेस करके रीयूज करने के प्रति ज्यादा ध्यान दे. पीयूष गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मिशन पानी के इस मिशन में. लेकिन लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? धन्यवाद. और मैं समझता हूं जिस प्रकार से बिजली के क्षेत्र में, आपको ध्यान हो जब मैं ऊर्जा मंत्री था तब हमने एनर्जी एफिशिएंसी पे बहुत फोकस किया था और एनर्जी सेविंग के ऊपर, और मैंने बच्चों को इसमें काफी जोड़ा था, स्कूल कॉलेज के बच्चों को वीडियोस वगैरह बनाए थे. बच्चे अपने माँ बाप को बता रहे हैं कि भाई लाइट का स्विच बंद करो जब कमरे से निकलते हो, पंखा बंद करो जी, जी. एसी स्विच ऑफ करो. ऐसे ही मैं समझता हूँ आपके इस मिशन पानी में भी अगर आप बच्चों को, स्कूल कॉलेज के लोगों को और इन्वॉल्व करते हैं तो युवा अवस्था से ही अगर आदत पड़ जाए कि ब्रश करते वक्त टैप को बंद किया जाए, इतने छोटे सी चीज अगर देश का हर एक व्यक्ति करे तो
करोड़ों लीटर पानी रोज बचेगा सिर्फ ब्रश करते हुए टैप बंद करना, या हाथ धोते हुए जब साबुन मल रहे हो तब टैप बंद करो फिर खोल दो, या नहाते वक्त बकेट इस्तेमाल करो शावर के बदले, या वाटरलेस यूरिनल आने लग गए, हम सभी दफ्तरों में वाटरलेस यूरिनल इस्तेमाल करें, जैसे हम बायो टॉयलेट रेलवे में इस्तेमाल कर रहे हैं, हर कोच को हमने बायो टॉयलेट अब लगा दिया, ऐसे सब चीजें अगर और ज्यादा युवा युवतियों में जागृति आएगी तो मैं समझता हूँ देश का बहुत बड़ा हित होगा। थैंक यू गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मिशन पानी के इस महामंच पर।